स्वागत है, देखते हैं आज की खास खबर। एनकाउंटर के बाद पकड़े गए शातिर बदमाश लगाते थे यूपी सरकार की गिरफ्त। नई दिल्ली गाजियाबाद। राजधानी से सटे गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है और मुठभेड़ के बाद फरार हुए दो बदमाशों को कॉम्बिंग करके पुलिस ने पकड़ लिया है। पकड़े गए बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज है, जिनके पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बदमाशों के पास मिले जिंदा कारतूस कॉम्बिंग की गई और थोड़ी ही दूरी से गोविंद और पंकज नाम के बदमाश की भी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली। बदमाशों से स्विफ्ट गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। इसके अलावा मौके से तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक जो गाड़ी बरामद हुई है उसमें आगे की प्लेट पीली से व्हाइट कर दी गई है और आगे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा गया है। इसके अलावा गाड़ी पर पुलिस का निशान भी बना रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार लिखने के बाद ये खुद को उत्तर प्रदेश सरकार से होने का दावा करते थे। असल में यह गाड़ी ओला कैब की थी, जिसे बदमाशों ने लूट लिया था और इस गाड़ी को उत्तर प्रदेश सरकार का बताकर पुलिस पर भी उन्होंने हाल ही में रौब जमाया था। पुलिस के मुताबिक इस तरह की गाड़ियां लूट कर बदमाश वारदात को अंजाम देते थे और उसके बाद गाड़ियों को कटवा दिया जाता था। इन बदमाशों की प्लानिंग इस बार काफी बड़ी थी और NCR में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे, लेकिन पहले ही पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी कर ली। मामला गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र में इंडस्ट्रियल इलाके का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि साहिदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ बदमाश छिपे हुए हैं। इसी दौरान चेकिंग भी शुरू कर दी गई और कुछ बदमाश गाड़ी से आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन वह नहीं रुके और आगे जाकर उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। शुरू में पुलिस को भी संशय हुआ, लेकिन तुरंत ही पुलिस समझ गई कि यह बदमाशी है। बदमाशों के फायर का जवाब देते हुए पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें शीतपाल नाम के बदमाश को गोली लगी है और उसे वही अरेस्ट कर फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन दो बदमाश भागने में कामयाब हो गए हैं, जिनकी छानबीन पुलिस कर रही है। तो MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए।